नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त बिहार में विधानसभा के चुनाव में काफ़ी समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी यानी कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं उनके बीच में क्या बातें शुरू हो गई हैं, वो बातें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीजेपी MLC हैं सच्चिदानंद राय, जिन्होंने मांग रख दी है उन पुराने दिनों को याद दिलाते हुए कि जो 12 सीटें राज्यपाल के कोटे से खाली हैं विधान परिषद के लिए, उन पर बीजेपी और जेडीयू बैठकर अभी ही समझौता कर ले, यानी कि जेडीयू और बीजेपी आपसी सहमति से अभी ही सीट बांट ले। क्योंकि उन्होंने उस दिन का भी याद दिलाया है कि 2012 में जब राज्यपाल कोटे की सीटें खाली हुई थी, उस वक्त नीतीश कुमार ने उन सीटों को खाली ही रहने दिया था, और 2014 में जब बीजेपी से अलायंस टूट गया था उसके बाद उन्होंने उन सभी सीटों पर जदयू के कैंडिडेट्स को MLC बना दिया था। यानी कि साफ साफ ये इशारा दे रहे हैं बीजेपी MLC सच्चिदानंद राय कि जब गठबंधन में थे नीतीश कुमार 2012 में, जदयू और भाजपा साथ साथ थी, उस वक्त उन्होंने उन सीटों को खाली छोड़ दिया था। ठीक वैसी ही परिस्थितियाँ अभी हो गई हैं, 12 सीटें राज्यपाल कोटे की जो हैं वो खाली हैं। हालांकि विधान परिषद में 29 सीटें खाली हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो सीटें हैं वो या तो वो विधायक कोटे से जाएंगी या फिर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है या फिर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं। लेकिन जो 12 सीटें जो राज्यपाल कोटे की खाली हैं उन पर जल्द से जल्द बीजेपी जदयू बैठकर समझौता कर ले, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। विधान परिषद की 29 सीटें खाली हुई हैं और इसमें निश्चित रूप से अटकलें लग रही हैं कि किस तरह से घटक दलों के बीच में, NDA घटक दलों के बीच में सीटों का बंटवारा होगा। तो जो 9 सीटें विधायकों द्वारा चुनी जानी है उनका तो बड़ा क्लियर है कि भाजपा 2 और जदयू 3 और गठबंधन के महागठबंधन के लोग 4 प्रतिनिधि भेज पाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा दरमलाई का जगह भी नहीं है। उसी तरह से बाकी जो 8 सीट जो 4 शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में और 4 स्नातक प्रतिनिधि के रूप में जो होने हैं वो भी मोर और लेस तय है, जो सिटिंग है वो है और एकाध जगह है तो बैठ के बात हो जाएगी। लेकिन विषय बाकी 12 लोगों का जरूर आता है। ये 12 नॉमिनेटेड जो हैं ये एक स्पेशल केस हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर तो 2012 में जब 12 सीटें खाली हुई थी उसमें भी NDA गठबंधन में भाजपा और जदयू साथ थे, और एक वर्ष बाद गठबंधन टूटा, एक वर्ष के बाद 14 महीने बाद गठबंधन टूटा, तब तक जो है नॉमिनेट नहीं किया जा सका था। अगर ठीक से नॉमिनेट हुआ होता तो कम से कम 5 विधान पार्षद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होते, जो कि दत्तो कटवा गठबंधन टूटने के एक साल बाद, लगभग एक वर्ष बाद जब नॉमिनेट किया गया तो जदयू ने अपने 12 विधान पार्षद भेजे, वही 12 विधान पार्षद अब रिटायर हुए हैं 6 साल बाद। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर चर्चा क्यों शुरू नहीं हो रही है। इस पर तुरंत चर्चा शुरू करके अगर जो भी फॉर्मूला बनता हो, जो बिहार के विधानसभा के चुनाव में NDA जो जिस तरह से आपस में सीट बांटने वाली है उसी तरह से पहला प्रयोग हो जाए कि विधान परिषद की ये 12 सीटें आपस में बांट ली जाए और तुरंत इसको नॉमिनेट कर दिया जाए, इसका तो कोई भी कोविड से या जो लॉकडाउन है उससे कोई संपर्क नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, इस तरह इस पर लेके भय दो कारणों से होता है, एक तो 2012 का अनुभव और दूसरा 2017 का एक नया अनुभव है, जब हमारे विधान परिषद के सभापति जब अवधेश नारायण सिंह जी टेक्निकल कारणों से रिजाइन किए थे क्योंकि उनका विधान परिषद का कार्यकाल पूरा हो गया था, और जब वो दोबारा जीत के आए तो उन्हें पुनः शपथ लेना चाहिए था, लेकिन वो विधान परिषद के सभापति का सीट खाली रहा है, आज तक भी खाली रहा, बल्कि उपसभापति को जो जदयू उसके कोटे से आते हैं उनको कार्यकारी सभापति बनाकर काम चलाया गया, आज संयोग से उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया, अभी तो दोनों पद रिक्त हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उस पद को अपने नॉमिनी से भरने के लिए आग्रह नहीं किया है। इसी तरह से देखिएगा मंत्रिपरिषद में भी हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जितने और 3-4 हमारे या 5 मंत्री होने चाहिए थे जो अब तक उस पर पिछले एक वर्ष से वो खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, अगर देखिएगा निगमों के चेयरमैन और बहुत निगम में और भी बहुत सारे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी डिमांड नहीं किया कि हमारा यह हक बनता है, और इस विषय पर कार्यकर्ताओं के मन में संदेह है। तो पहले तो शुरुआत इससे हो और इसका बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, अगर ये गठबंधन मजबूत है तो मजबूती को दिखाने का समय आ गया है कि ये 12 सीटों का तुरंत घोषणा हो और विधान परिषद के सभापति पद के लिए भाजपा के किसी सदस्य को नामित किया जाए, इसे शुरुआत की जाए, इसके बाद से बाकी विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए।
तो आपने सुना, अभी से ही सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं, उन्होंने साफ साफ भाजपा के नेताओं को इशारों इशारों में बताया है कि 2012 में जो गलती हुई थी, कहीं वो गलती फिर से ना दोहराई जाए। जितनी सीटें बीजेपी के हक में आती हैं, उतनी सीटों को जल्द से जल्द बीजेपी को समझौता कर लेना चाहिए, अन्यथा बाद में फिर कहीं पहले जैसी गलती ना हो जाए। उम्मीद है सीटों का बंटवारा जब अभी से शुरू हो गया है तो तालमेल आगे बना रहेगा। इसकी संभावनाएं कब तक टिकी रहती हैं वो हम देखते हैं। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, आप भी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर ज़रूर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।